ओके, तो कल अवतार 2 के चक्कर में इसके बारे में बात नहीं हो पाई थी। इसके किसके? गोविंदा नाम मेरा के बारे में, स्टारिंग विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, क्यारा आडवाणी, रेणुका शाहने, अपने दया और भी काफ़ी ही सारे एक्ट्रेस। सच बताऊँ तो भाई मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट मैंने स्टार्टिंग के अंदर दे दिया था कि तुम लोग जो हो सिर्फ मेरी बकवास सुनने के लिए आगे बैठो। तो स्टार्टिंग से शुरू करा जाए तो भाई इस मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सिमिलर देखने को मिल रहा था काफ़ी ज़्यादा फ्रेडी और मोनिका से जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था। पर क्या ये एग्जैक्टली वैसा है? हेल नॉट। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है, एंड इसके अंदर की जिस तरीके से एक्टर की परफॉर्मेंसेज हैं उसने इसके ऊपर 4 चांद लगा दिए। विकी कौशल कॉमेडी एक्टर के रोल के अंदर कमाल के थे। भूमि पेडनेकर, क्यारा आडवाणी दोनों का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके अलावा रेणुका शाहने, वो भाई तुम्हें एक्चुअली में सरप्राइज़ कर देंगी। उसके अलावा इसके अंदर दया भी देखने को मिलते हैं एज पुलिस ऑफिसर ही, एंड उनका रोल भी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इसके अलावा मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी कि हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं विराज गहलानी, जो कि एक्चुअली में एक यूट्यूबर है। देखो धर्मा की पिक्चर है ये, और अगर तुम क्रोनोलॉजी को समझ रहे हो तो सबसे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के अंदर हमें हर्ष बेनीवाल, उसके बाद जुग जुग जियो के अंदर हमें प्रजक्ता कोहली, और अब गोविंदा नाम मेरा के अंदर विराज गहलानी। कुछ तो चल रहा है धर्मा के अंदर। मैं अपना CV भेज रहा हूँ भाई, प्लीज़ एक बारी देख के बता देना कि क्या कुछ हो सकता है मेरा। और हाँ, इन सब को हटाने के बाद अगर भाई बात करी जाए मूवी के अंदर के गानों की, तो भाई गाना तुम्हें एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली अच्छा लगेगा। एक गाना है जो काफ़ी ज़्यादा क्रिंज है, लेकिन उसके क्रिंजनेस में भी अपना ही एक मज़ा है। उसके अलावा एक गाना है बिजली, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसके अंदर एक काफ़ी बड़े एक्टर का कैमियो भी है। उसके अलावा इसके अंदर की जो कॉमेडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी लेंथ, जो कि है सिर्फ 2 घंटा 11 मिनट की, जिसमें जैसे क्रेडिट वगैरह हटा दे सिर्फ 2 घंटे की मूवी है। एंड पेसिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिस वजह से ये एकदम स्मूथली चलती है, कॉमेडी थ्रिल हर चीज़ को बैलेंस करते हुए। पहले वाला हाफ जो है वो बिल्डअप देता है, एंड सेकेंड वाला उसके ऊपर डिलीवर करता है। इतनी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न होंगे कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। कुछ चीज़ें प्रेडिक्टेबल हैं जो कि मैंने भी प्रेडिक्ट कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें एक्चुअली में सरप्राइज कर देंगी। बाकी भाई यही था रिव्यू, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। जाओ देखो डिज्नी रिसोर्ट्स पे, एंड टिल देन गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय।